तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी कम हैं। हमें लगेगा धनिया, टमाटर, प्याज, इन सबको बारीक बारीक काट ले। उसके बाद हमें लगेगा सेव, स्प्राउट्स और लेमन जूस और चनाचौर गरम। अब मिक्सिंग बोल में हम 2 चम्मच प्याज ले लेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर 2 चम्मच और इसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच स्प्राउट्स। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना इच्छा हो रही है आप उतना यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे लेमन जूस। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और फाइनली डालेंगे हम चनाचौर जो आपको मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आप डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। आप इसको ढक कर अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे सेव, प्याज, टमाटर, धनिया डालकर गार्निश करें। स्ट्रीट में आप देखेंगे ये एक पेपर के पैकेट में रोल करके कोन शेप्ड में इसे दिया जाता है, तो मैं भी सेम इसको इसी पैकेट में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही खाने में इसे मज़ा आता है। तो आप भी, ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, इवनिंग स्नैक के तौर पे आप खा सकते हैं और इसमें चना है तो ये आपके लिए हेल्दी है और ये एक हेल्दी स्नैक है। और ऐसे रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऐड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।